कई इंसेक्ट्स प्यारे, सुंदर और बिना नुकसान वाले होते हैं। हम उन्हें अनदेखा करते हैं जब तक कि ये हमारे सामने या करीब रेंगते हुए हमें परेशान ना करें। लेकिन कुछ कीड़े बुरे, भयानक और खतरनाक होते हैं। ये अपने दुश्मनों पर दर्द पैदा कर सकते हैं जो घंटों या दिनों तक चल सकता है। कुछ इंसेक्ट्स काटते हैं या डंक मारते हैं जिससे मौत भी हो सकती है। यहाँ दुनिया में सबसे 10 भयानक कीड़े की सूची है, तो चलिए आज हम इनके बारे में बात करते हैं। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल द इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जायंट सिल्कवर्म कैटरपिलर। ये डरावना दिखने वाला कैटरपिलर साउथ अमेरिका में रहता है और हर साल कई मौतों के लिए जिम्मेदार भी है। ये विशाल कैटरपिलर में छोटे ब्रिजल्स होते हैं जो एक शक्तिशाली जहर को छोड़ते हैं जो बॉडी में जाने पर जहरीला हो जाता है। इस हत्यारे कैटरपिलर या किलर कैटरपिलर कहा गया है, लेकिन ये सिर्फ एक विशाल कैटरपिलर का जेल के रूप में लावा होता है जो अगर किसी के बॉडी पे चला गया तो उसकी जान भी जा सकती है। बुलेट एंट। दुनिया का सबसे दर्दनाक स्टिंग बुलेट चींटी का है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है और इसके पास एक शक्तिशाली डंक है। ये कार्यकर्ता चींटी 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच से अधिक लंबी हो सकती है और एक पंख रहित ततिया की तरह दिखती है। रानी चींटी लगभग एक ही आकार की होती है। इन प्राणियों में लाल भूरे रंग के बाल होते हैं और संभावित चींटियों की तुलना में बाल होते हैं। बुलेट चींटियों को मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। सेट्से फ्लाई। मच्छर की तरह मक्खी आपके खून को चूसती है, लेकिन ये सेट्से मक्खी और भी अधिक अप्रिय तरीके से काटती है। मक्खी के मुंह पर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो आपकी त्वचा जैसे दिखते हैं। ये कीड़े बीमारियों को भी बढ़ावा देते हैं और कुछ नींद की बीमारी नामक बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना इलाज के चला जाता है तो ये बहुत घातक हो सकता है। किलर बीज। हत्यारा मधुमक्खी एक सामान्य शहद के प्लांट से इतनी मिलती है कि एक रिसर्चर को मधुमक्खी को अंतर बताने के लिए मापना पड़ता है। एक अफ्रीकी हनी बी से जहर थोड़ी मात्रा मधुमक्खी की तुलना में अधिक नहीं होता, लेकिन हत्यारा बी अधिक से अधिक संख्या में हमला करता है और ये यही कारण है कि वो लोगों के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। एशियन जाइंट हॉर्नेट। दुनिया में पाए जाने वाले हॉर्नेट के सबसे बड़ी प्रजाति एशियन जाइंट हॉर्नेट है। वे पूरे पूर्वी एशिया में रहते हैं, लेकिन जापान के माउंटेन्स में सबसे अधिक पाए जाते हैं। वे बेहद आक्रामक और नीडर होने के लिए जाने जाते हैं। एशियन जाइंट हॉर्नेट अपने लार्वा खिलाते हैं और इस प्रक्रिया में पूरे मधुमक्खियों को नष्ट कर देते हैं। ये हॉर्नेट बी हाइव में मधुमक्खियों को मारने के लिए अपने जबड़े के साथ मजबूत बाल और पूर्ति का भी उपयोग करते हैं। एक हॉर्नेट 1 मिनट के अंदर 40 हनीबी को मार सकता है। न्यूजीलैंड वेटा। इस प्रजाति ने दुनिया का सबसे भारी इंसेक्ट पैदा किया है और दिखने में भी भयानक है। अब तक का सबसे बड़ा वेटा न्यूजीलैंड में था और क्रिकेट जैसा प्राणी 2.5 आउंस में 7 इंच के विंग स्पैन के साथ वजन करता है। ये गाजर के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटने के लिए काफी बड़ी है, लेकिन ये वास्तव में ह्यूमंस के लिए इतना कोई खतरा नहीं है। वैस्प्स। ये ना तो मधुमक्खी है और ना ही चींटी। ये अपने पीले जैकेट और हॉर्नेट्स को शामिल करते हुए अलग अलग होते हैं। वे आमतौर पर शांत होते हैं और लगभग हर प्रजाति में एक बहुत शक्तिशाली इंसेक्ट होता है जो विशेष रूप से इसका शिकार होता है। हालांकि वैस्प जरूरी नहीं है कि डंक मारने के लिए इंसान की तलाश करे। ये सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला एलर्जिक स्टिंग है। बहुत से लोग एनाफाइलेक्टिक सदमे में चले जाते हैं और एक डंक में मर भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ जहरीले और भयानक इंसेक्ट्स दुनिया के। अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।